नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 दिसंबर 2013 को कर्नाटक के बेलगाम में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर कोई समाज समानुकूल परिवर्तन नहीं करता, शिक्षा को महत्व नहीं देता, तो वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। और शिक्षा ही सबसे पहला क्षेत्र होता है जो आने वाले युग के बदलाव को भांप सकता है। मित्र, समाज जीवन में अलग अलग ज्ञाति बिरादरी में कोई न कोई सामाजिक काम चलते हैं और ज्यादातर समाज का संगठन राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। समाज को एकत्र करके, समाज का विश्वास जुटा करके राजनीतिक जीवन में प्रगति करने के लिए समाज की भावनाओं को जोड़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में प्रयास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो बहुत दूर का सोच सकते हैं और जब वो कार्य आरंभ करते हैं समकालीन लोगों को अंदाज तक नहीं आता है कि ये छोटा सा प्रयास कितनी बड़ी क्रांति का कारण बन जाएगा। '98 पहले जिन महापुरुषों ने शिक्षा के सामर्थ्य को अनुभव किया होगा, शिक्षा के महत्व को समझा होगा और समाज के सभी लोगों को शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, किसान परिवार में भी शिक्षा कैसे पहुंचे, ये सपना देख करके जिन्होंने इस केली का बीज बोया होगा, मैं आज उन सभी दीर्घदृष्टा महानुभावों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। चीन में कहावत है कि जो एक साल का सोचता है वो अनाज बोता है, जो 10 साल का सोचता है वो फलों का पेड़ उगाता है, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचता है वो मनुष्य को बोता है। ये केएलई ने, इस सोसाइटी ने मनुष्य बोने का पवित्र काम किया है ताकि शिक्षा और संस्कार के माध्यम से सशक्त व्यक्ति के द्वारा सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो और पीढ़ियों तक इसके सुफल मिलते रहे। जब प्रारंभिक समय में इसको प्रारंभ किया होगा कितनी कठिनाइयां आई होगी, किसी एक संस्था को, एक संगठन को 100 साल करीब करीब चलाना ये छोटा काम नहीं है। कितने उतार चढ़ाव आते होंगे, कितने आरोप प्रत्यारोप होते होंगे, उसके बावजूद भी सबने मिलकर के इस कार्य का निरंतर जो विकास किया है, विस्तार किया है, इसलिए विशेष करके जेएन मेडिकल कॉलेज की गोल्डन जुबिली ईयर पर
और इस संस्था के 98 इयर्स की यात्रा पर इस पूरे कालखंड में जिस किसी ने योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। बेलगांव शिक्षा के कारण और विशेषकर से केली सोसाइटी के कारण एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। हिंदुस्तान के हर कोने से हर भाषा भाषी हर खान पान वाले विद्यार्थी पिछले 5-6 दशक से बेलगांव आते रहे हैं और इसके कारण ये बेलगांव का शिक्षा धाम, ये सरस्वती का धाम न सिर्फ बेलगांव का, न सिर्फ कर्नाटक का, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना चुका है, एक आस्था का निर्माण कर चुका है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है अगर वो समाज समयानुकूल परिवर्तन नहीं करता है, शिक्षा को महत्व नहीं देता है, तो वो समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। और शिक्षा ये सबसे पहला क्षेत्र होता है जो आने वाले युग के बदलाव को बांट सकता है। जैसे व्यापारी अगली सीजन का अंदाज लगा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगले साल का अंदाज लगा सकता है, वैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों की परिस्थितियों को भांप सकता है और उसको अनुमानित करके अगर आज से व्यवस्था विकसित करता है तो परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। चीन में अंग्रेजी भाषा के कोई शुरुआत ही नहीं हुई थी। जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर चल पड़ी, ग्लोबल इकोनॉमी का एरा शुरू हुआ, तो चाइना को लगा कि वहां पर प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा, उनको आईटी प्रोफेशन पर लाना है, क्योंकि दुनिया में अगर टिकना है। और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी परंपराओं को संभालते हुए अपने आप को स्थिति में जोड़ दिया। एक समय ऐसा था आज से 30 साल पहले, चाइना की कोई यूनिवर्सिटी विश्व में जानी नहीं जाती थी। 30 साल के भीतर भीतर दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी 10 यूनिवर्सिटी को खड़ा करके रख दिया। सरकार कोई भी हो, उस सरकार के मन में एक जिजीविषा होनी चाहिए, एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हमारा देश भी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम रोशन क्यों न करे। और हम वो लोग हैं जो ज्ञान के उपासक रहे, विश्व में यूनिवर्सिटी की जो कल्पना है उसकी उम्र करीब करीब 2800 हुई है। 2800 साल का लंबा इतिहास यूनिवर्सिटी एजुकेशन का है।
और हमारे ही देश में कभी नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी ये यूनिवर्सिटीज ने पूरे विश्व में अपना लोहा जमाया था। 2800 साल में से 1600 साल इस ज्ञान की दुनिया में भारत का रुतबा रहा था। दुनिया के वल्लभी उस जमाने में गुजरात का हिस्सा समुद्री तट पे 80 देशों के स्टूडेंट सदियों पहले वहां पढ़ते थे, लेकिन गुलामी के कालखंड में हम हमारी वो विधा खो चुके। और एक प्रकार से जैसे हम आश्रित बन गए, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ऐसे इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया होता, बल प्रदान किया गया होता, तो हो सकता है 50 साल की आजादी के कालखंड के भीतर भीतर हम विश्व में एक ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर के उभरते। दुनिया कहती है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। विश्व ने जब जब ज्ञान युग के अंदर प्रवेश किया, हर बार भारत ने उसका नेतृत्व किया। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान के क्षेत्र में अप्रतिम रिवॉल्यूशन का कालखंड हम अपनी सामने आंखों के सामने देखने वाले हैं। और हम सदियों से ऋषियों और मुनियों के जमाने से ज्ञान के उपासक रहे। आधुनिक विज्ञान का स्वीकार करते हुए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का स्वीकार करते हुए आने वाली शताब्दी में हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? अगर उन सपनों को लेकर के हम हमारे शिक्षा धामों को, हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को और सीमित दायरे में नहीं, एक ग्लोबल विजन के साथ हमें विकसित करना होगा और विश्व के साथ ताल मिलाते हुए शिक्षा के सहारे हमने नई ऊंचाइयों को पार करने का प्रयास करना। मित्रों, आज देश में हेल्थ ये सेक्टर एक प्रकार से सबसे बड़ी चिंता का कारण बन चुका है। बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, बीमार बढ़ते चले जा रहे हैं। जितने अनुपात में डॉक्टरों की जरूरत हो, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हेल्थ सेक्टर में अनेक प्रकार की सर्विसेज डेवलप हुई है। पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी भी देश में बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। वी आर यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ हमारे पास पैरामेडिकल क्षेत्र के लिए स्किल मैन पावर नहीं है। जितनी आवश्यकता डॉक्टरों की हो गई है, उतनी ही ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की हो रही है। जितनी मात्रा में आवश्यकता पैरामेडिकल स्टाफ की हो गई है, उतनी ही हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी की हो गई है।